अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 1 के लास्ट न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे, विच इज न्यूमेरिकल नंबर 1.10। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 1.10 को, जिसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r raised to power n, and some power of v, say v raised to power m. Determine the powers of r and v. Students, statement ko read karne se malum hua, there is a particle which is moving with specific speed v in a circle of radius r. लेकिन students, उस particle का जो acceleration है, it depends on some power of r and some power of v. और इस numerical में हमने radius r और speed की power given है m, इन powers की values को calculate करना है. Numerical की first heading होगी given data की, हम लिखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी डाटा गिवन है। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन है, एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फैक्टर नंबर 1, सम पावर ऑफ रेडियस आर, से आर रेस्ट टू पावर एन, एंड फैक्टर नंबर 2 इज एक्सेलरेशन ए आल्सो डिपेंड्स ऑन सम पावर ऑफ वी, से वी रेस्ट टू पावर एम। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, हमने किस चीज को कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड the powers of R and V. तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इस न्यूमेरिकल में R और V के एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं R की पावर है n, तो इट मींस दैट कि हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और स्पीड V की पावर है m, इट मींस हम m की पावर को कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा और रिक्वायरमेंट लिखने के बाद हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी डायमेंशनल एनालिसिस की सेकेंड एप्लीकेशन है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स, हम एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फॉर्मूला, जिसमें हम ये शो करेंगे कि एक्सेलरेशन आर रेस्ट टू पावर एन एंड वी रेस्ट टू पावर एम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सिंपली प्रोपोर्शनल टू r raised to power n and v raised to power m. Now students, step number 2, proportionality के sign को remove करेंगे, तो इसकी जगह हम लिखेंगे constant. और students, r raised to power n multiplied by v raised to power m will remain as it is. इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में एक्सेलरेशन ए, रेडियस आर एंड स्पीड वी की डायमेंशंस को पुट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डायमेंशंस ऑफ
ए आर एंड वी आर, स्टूडेंट्स आपको मालूम है एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती है एल टी माइनस टू, रेडियस की डायमेंशंस होती हैं सिंपली एल, एंड स्पीड की डायमेंशंस होती हैं एल टी माइनस वन. नाउ स्टूडेंट्स बाय पुटिंग दीज डायमेंशंस इन इक्वेशन नंबर वन, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर वन क्या थी, ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट R raised to power n multiplied by V raised to power m. Now students, acceleration A की dimensions थी एल टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट विल रिमेन एज इट इज. रेडियस की डायमेंशन थी L, बट इसका एक्सपोनेंट है n, और स्पीड की डायमेंशंस थी स्टूडेंट्स एल टी माइनस वन, बट इन डायमेंशंस का एक्सपोनेंट है m. नाउ स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को, जिसमें आप देख सकते हैं l टू टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है, t वन टाइम दिखाई दे रहा है, तो हम l को सोल्व करते हुए सिंगल l की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं जैसा कि स्टूडेंट्स फर्स्ट एल की पावर है एन, सेकेंड एल की पावर है एम, तो जब हम एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी एन प्लस एम. एंड स्टूडेंट्स टी का एक्सपोनेंट है माइनस वन, लेकिन होल का एक्सपोनेंट है एम, तो स्टूडेंट्स जब एम माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स माइनस एम. और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस ऐसी की ऐसी ही रहेंगी. नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फाइनल फॉर्मूला में सिर्फ लेंथ की डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है और टाइम की डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है. इट मीन्स दैट कि यहां पर m लिखने की जरूरत ही नहीं. स्टूडेंट्स आप फाइनल फॉर्मूला में देख सकते हैं फाइनल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंपली टू टाइप्स की डायमेंशंस आपको दिखाई दे रही हैं, लेंथ की डायमेंशन l और टाइम की डायमेंशन t. और अगर हम इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड की बात करें तो आपको राइट हैंड साइड में भी टू फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस दिखाई दे रही होंगी, लेंथ की डायमेंशन l और टाइम की डायमेंशन टी. तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स की डायमेंशंस के एक्सपोनेंट्स को. तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स और पावर्स स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में एल का एक्सपोनेंट या एल की पावर क्या है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है व्हेन देयर इज नो पावर तो हम वहां पर वन लिख सकते हैं. तो एल की लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंट है, पावर है वन, राइट हैंड साइड में एल का एक्सपोनेंट और पावर है एन प्लस एम. तो स्टूडेंट्स यहां से एक इक्वेशन बनेगी, इसको हम इक्वेशन ए और वन का नाम दे सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स अगर टी के एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर और एक्सपोनेंट है माइनस टू, और राइट हैंड साइड में टी का एक्सपोनेंट और पावर है माइनस एम. स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन बी का नाम दे सकते हैं. इक्वेशन ए को यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा या इक्वेशन बी को,
ऑब्वियसली इक्वेशन बी को, बिकॉज इन इक्वेशन बी देयर इज ओनली वन अननोन वेरिएबल दैट इज एम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली एम की वैल्यू आएगी 2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस एम की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ए में एम की वैल्यू पुट करने से एन प्लस एम की जगह 2 आएगा और 2 को जब हम राइट हैंड साइड से इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स -2। तो स्टूडेंट्स 1 - 2 वी विल गेट -1। तो स्टूडेंट्स हमने एम की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया और एन की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में जस्ट ये चीज मेंशन थी कि हमने सिर्फ और सिर्फ एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन एक्सपोनेंट था रेडियस का और एम एक्सपोनेंट था स्पीड का। तो इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द पावर्स ऑफ आर एंड वी, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। लेकिन स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपने एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला भी डिराइव करना है, तो स्टूडेंट्स एन और एम की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद जस्ट 2 or 3 स्टेप्स मजीद करने से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एन और एम की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं ताकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एम और एन की वैल्यूज के अलावा अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए तो आप इस काबिल हो कि आप बिल्कुल आसानी से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सेलरेशन के फाइनल एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। उसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, एम और एन की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड वी इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 क्या थी, ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर रेस टू पार एन मल्टीप्लाई बाय वी रेस टू पार एम। तो स्टूडेंट्स अब हम एन की वैल्यू जो कि -1 है और एम की वैल्यू जो कि +2 है इन दोनों वैल्यूज को एन और एम की जगह पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने आर और वी एज इट इज लिख दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ एम इज +2। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रेडियस का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इनवर्स की फॉर्म में है, तो जब हम इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो r न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी +1, और +1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय v स्क्वेयर आवर r। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनल फॉर्मूला किसके इक्वल आया है, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट v स्क्वेयर आवर r। इट मीन्स दैट कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन स्पीड के स्क्वेयर पे डिपेंड करता है और सिंपली रेडियस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट के मुताबिक सिर्फ यही मेंशन था कि हमने सिर्फ और सिर्फ r और v के एक्सपोनेंट्स मीन्स
n और n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी फॉर्मूलाज को डिराइव किया है, तो यहाँ पे भी अगर पॉइंट अगर एग्जाम में आपसे n और m की वैल्यूज के अलावा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए कहा जाए, तो हमने मजीद 3 to 4 स्टेप्स में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 1 के लास्ट न्यूमेरिकल 1.10 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.10 को कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।